हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एट योर फिंगर टिप्स। दिस इज के पवन, योर फ्रेंड, योर टीचर कम मेंटर। मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूँ, बायोलॉजी रटने वाला विषय नहीं है, तो क्यों करेंगे रटना शुरू जब आपके साथ है ये बायोलॉजी ग्रुप। हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। उस टॉपिक पे आने से पहले मैं पिछले क्लास का थोड़ा रिव्यू करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोग निषेचन फर्स्ट घटना के बारे में पढ़ रहे हैं। निषेचन फर्स्ट घटना यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इसके बारे में कहा था कि निषेचन पश्चात घटना को हम लोग चार शिक्षकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। जो सबसे पहला था जिसको हम कहते थे भ्रूण कोष का निर्माण। पहला जो टॉपिक था भ्रूण कोष का निर्माण, इसी को इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ पाला हेडिंग। जो दूसरा हेडिंग था कि भ्रूण का परिवर्तन यानी भ्रूण का विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या इसी को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस भी कर सकते। ठीक है, ये दूसरा हेडिंग था। जो तीसरा हेडिंग था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। मैं ऑलरेडी ये हेडिंग आपको लिखा चुका हूं, मैं बस एक बार फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूं। जो फर्स्ट टॉपिक था ये था अंडाशय का फल में परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओवरी इनटू। ठीक है, तो ये चार पार्ट में आपको याद हो तो मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि भ्रूण कोष का निर्माण, ये टॉपिक मैंने पिछले क्लास में ही खत्म किया है। और पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो ये भ्रूण कोष का टाइप है वो तीन प्रकार का होता है। एक को हम केंद्रकीय भ्रूण कोष या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, दूसरे को हम लोग कोशिकीय भ्रूण कोष या सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं, और तीसरे को माध्यमिक या एलुवियल एंडोस्पर्म। ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका। अभी जो टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है वो है भ्रूण का परिवर्तन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक भ्रूण का परिवर्तन। जो दूसरा टॉपिक था वो पढ़ना है भ्रूण का परिवर्तन या इसी को कहते हैं भ्रूणोद्भव भी। देखिए सेम टर्म है, ये सब ये याद रखना है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूछे या एम्ब्रियोजेनेसिस पूछे, भ्रूण का परिवर्तन पूछे, भ्रूणोद्भव पूछे, सब सेम टर्म है। तो हमको पढ़ना है कि आखिर जब अभी देखे पीछे की निषेचन हुआ तो युग्मनज का निर्माण हुआ। युग्मनज से हमने देखा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज में हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो युग्मनज है वो भ्रूण में बदल जाता है। अब आपको ये पढ़ना है कि आखिर भ्रूण का विकास कैसे होता है, भ्रूण का डेवलपमेंट कैसे होता है। उस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेना है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन, आवृतबीजी पादप में लैंगिक जनन या पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, तो हम आवृतबीजी पादप दैट मींस एंजियोस्पर्मिक प्लांट पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हम लोग लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। तो देखिए मैंने हमेशा कहा है कि जब भी बंटवारा किया जाता है तो कुछ ना कुछ आधार होता है, कुछ ना कुछ बेसिस होता है।
तो आवेतवीजी पादप को हम दो भाग में बांट सकते हैं, और बांटने का आधार है कि आवेतवीजी जो पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, वो दो तरह का होते हैं, और बांटने का आधार ये है कि उसमें पाए जाने वाला जो बीज होता है, जो सीड होता है, कुछ आवेतवीजी पादप ऐसे होते हैं कि जिनके बीज में एकमात्र बीज पत्र होते हैं, कॉटिलीडन्स होते हैं, और कुछ पौधे आवेतवीजी पौधे ऐसे भी होते हैं कि जिनके बीज में दो बीज पत्र होते हैं। तो हम आवेतवीजी पादप को बीज पत्रों की उपस्थिति के आधार पर दो भाग में बांट सकते हैं, यानी आवेत एंजियोस्पर्मिक प्लांट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉटिलीडन्स इन द सीड। तो हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला, और ऐसा पौधा जिसमें जो द्विबीजपत्री हो, माने उसके बीज में दो कॉटिलीडन उपस्थित हो, द्विबीजपत्री, और एक ऐसा होगा एक बीज पत्री, ठीक है, डाइकॉटिलीडनस डाइकॉटिलीडनस प्लांट, और दूसरा मोनो कॉटिलीडनस, ठीक है, यानी आवेतवीजी पादप को हम दो वर्ग में बांट सकते हैं, द्विबीजपत्री पादप और एक बीजपत्री पादप। यानी आवेतवीजी पादप ऐसे भी होंगे जिनके सीड में एक कॉटिलीडन या एक बीजपत्र पाया जाएगा, और ऐसे भी होंगे कि जिसके बीज में दो बीजपत्र पाया जाएगा। तो दो कैटेगरी में हमको बांटना पड़ेगा। तो भ्रूण का परिवर्धन, भ्रूण का विकास यहां भी हो सकता है, और भ्रूण का विकास यहां, ठीक है, यानी द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण का विकास भी हो सकता है, कैसे होता है ये पढ़ना है, और एक बीजपत्री पादप में भ्रूण का विकास कैसे होता है ये पढ़ना है। दोनों में जो संरचनाएं होती हैं वो लगभग एक समान होती हैं, लेकिन उनमें माइलूट में अंतर होता है, इसलिए हम लोग ध्यान से दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। एनसीईआरटी जब आप देखेंगे तो इसके बारे में काफी कम बात दिया हुआ है, लेकिन मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि इससे भी जो क्वेश्चन आए आपका हर ऑब्जेक्टिव बनेगा, और यहां से भी क्वेश्चन आएगा तो वो हर ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो दोनों में हम समझेंगे इस क्रियाविधि को कि भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण का परिवर्तन, और तब पढ़ेंगे एक बीजपत्री पादप में भ्रूण का परिवर्तन। तो द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण विकास को समझते हैं, यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट प्लांट, ठीक है। डाइकॉट का मतलब हो गया ये ऐसा प्लांट है जिसके सीड में दो बीज पत्र या कॉटिलीडन उपस्थित है। हमें ये भ्रूणीय विकास को या एम्ब्रियो डेवलपमेंट को समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा, और जो पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने जो कुछ टर्म आपको बताया था उस टर्म को मैं फिर से रिव्यू करता हूँ, या जो चेंज है, जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि निषेचन के बाद कौन कौन सा चेंजेज होता है, चेंजेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आपको यदि याद हो तो हमने कहा था कि ये अगर बाइक में मान लीजिए ये एम्ब्रियो सैक था, ठीक है, भ्रूण कोष था। ये भ्रूण कोष में यदि आपको याद हो तो शुरू में ऊपर में तीन कोशिकाएं थी, नीचे में तीन कोशिकाएं थी, ऊपर वाली कोशिका को कई बार बता चुका हूं, इसे हम प्रतिव्यासांत कोशिका या एंटीपोडल सेल कहते हैं, और नीचे में जो तीन कोशिका है, तीन सेल है, इसे हम अंडसमुच्चय या एग ऑपरेटस कहते हैं। तो ये प्रतिव्यासांत कोशिका, ये अंडसमुच्चय, यहां आपको याद हो ये जो बीच वाला है इसको हम अंड कोशिका कहते थे या एक सेल कहते थे, और इसको हम सहायक कोशिका या सिनर्जिक सेल कहते, ठीक है, ये बिफोर द फर्टिलाइजेशन में स्थिति था। जब फर्टिलाइजेशन होता था तब देखिए क्या हुआ था कि जब फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया हुई थी तो याद कीजिए ये सहायक कोशिका, ये सिनर्जिक सेल गायब हो गया, ये सिनर्जिक सेल गायब हो गया था, यहां से पॉलन ट्यूब प्रवेश किया था, दो मेल गैमेट यहां इंटर किया था, दो मेल गैमेट नर युग्म या नर नाभिक यहां इंटर किया था, और ये बीच में, हां एक बात और याद रखना, जो ये ध्रुवीय नाभिक डिप्लॉयड केस था,
और ये क्या किया था कि एक इससे फ्यूज किया था और एक सेल से संलयित होकर के ये जायगोट का निर्माण किया। पहला फ्यूजन हुआ था और यहाँ पे जायगोट का निर्माण हुआ था, यहाँ जायगोट का निर्माण हुआ था और ये जो दूसरा था ये जाकर के इससे फ्यूज किया गया था, हो गया था और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन का निर्माण हुआ था। और चूंकि दो बार हुआ था तो इसीलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते, द्विनिषेचन कहते। अब देखिए जब ये निषेचन की क्रिया हो गई थी तो ये तो सिनर्जिड से गायब हो गया, ठीक है। या तो फिर मैंने आपको कहा था कि देखिए ये एंटीपोडल सेल या प्रतिव्यासांत कोशिका भी गायब हो गया है। और फिर प्रीवियस क्लास में ही मैंने बताया था कि ये जो पेन है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसी में बार बार डिवीजन होता है, बार बार माइटी डिवीजन होता है और तीन टाइप का डिवीजन, तीन टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट आपको बताया था, कोशिकीय भ्रूण कोष, नाभिकीय भ्रूण कोष और माध्यमिक भ्रूण कोष, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और फैलोपियन एंडोस्पर्म बताया था। और यहां से इसी पेन से भ्रूण कोष का निर्माण होता है, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। मान लीजिए मैं यहां दिखा रहा हूं कि ये पूरा अब देखिए और सब गायब हो गया है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बचा है इस एम्ब्रियो सैक में, इस भ्रूण कोष में। तो ये भ्रूण कोष है, एंडोस्पर्म है, ठीक है, मान लिया ये एंडोस्पर्म है और ये क्या हो गया, ये जायगोट है यानी ल्यूगुमेन्स है। यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन निषेचन के बाद हमारे एम्ब्रियो सैक में भ्रूण कोष में क्या क्या बचता है, सब ये सब प्रतिव्यासांत कोशिका ये सब गायब हो गया, सहायक कोशिका सब गायब। अब ये बचा इधर क्या, युग्मनज। अब जो ये युग्मनज बना, अब इसी फिगर से मैं युग्मनज को यहां ला, ठीक है। तो अब ये वाला फिगर अभी मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूं, यहां से ही अब पूरा नहीं बना करके मैं यहां पर फिगर आपको ये युग्मनज की किस तरीके से आप जानते हैं मैंने आपको बताया है, याद कीजिए तो कहा कि यही जायगोट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज में बताया था कि युग्मनज किस में बदल जाता है, भ्रूण में बदल जाता है। तो कैसे भ्रूण का निर्माण होता है और अभी हमको पढ़ना ही है कि द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण का विकास या भ्रूण परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। तो हम यहाँ जायगोट, तो ये जायगोट मैं यहाँ लिखा, ये जायगोट है या इसी को हिंदी में युग्मनज भी कहा, याद रखना है ये कैसा होगा, ठीक है। तो जैसे ही एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव या भ्रूण का परिवर्धन शुरू होता है तो जायगोट में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, कौन विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन, और इसी को हम लोग ट्रांसवर्स डिवीजन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स डिवीजन, हिंदी में क्या बोले, अनुप्रस्थ विभाजन, नोट पे सब हिंदी इंग्लिश सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये युग्मनज में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। देखिए जब ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो चाकू कैसे चलेगा, ऐसे। आप जब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा तो कैसे चलेगा, ऐसे 90 डिग्री पर, ठीक है। जैसे आप इसको सिंपल याद रखिए कि यदि खीरा कुकुम्बर आपने खाया हो तो कुकुम्बर का यदि सलाद खाना है तो आप चाकू कैसे चलाते हैं, चाकू ऐसे ऐसे चलाते हैं, तो समझ लीजिए वो अनुप्रस्थ विभाजन है, ट्रांसवर्स डिवीजन है। और यदि खीरा ऐसे ही खाना है, ठेला पे आपको मिला और वहां पे आपको खाना है तो आप चाकू कैसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, तो अनुप्रस्थ विभाजन ऐसे चल रहा है और ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल चाकू ऐसे गिरे, ठीक है, लाइफ ऐसे गिर। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये जायगोट में युग्मनज में पहली बार विभाजन होता है, कौन डिवीजन होगा याद रखना है, माइटोटिक डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा और यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा और दो टू सेल, देखिए यहाँ पर लिखा हूं टू सेल्ड इम्ब्रियो, टू सेल्ड इम्ब्रियो या दो कोशिका वाला, ठीक है, ये इसका निर्माण होता है। यहाँ पे याद रखना है, टर्म को याद रखना है, जो ये ऊपर वाला कोशिका है, जो ऊपर है, हाँ एक टर्म जो सबसे बेसिक बात याद रखना है, एक टर्म और जान लीजिए, देखिए आपको याद हो तो इसको हम क्लाजा इन कहते थे और इसको हम माइक्रोपाइलर इन कहते थे। ये क्लाजा क्यों होता है, तो ऊपर वाले को क्लाजा और इधर माइक्रोपाइलर, तो यहाँ से युग्मनज को उठाया है तो यहाँ पर देख लीजिए ये ऊपर में क्लाजा इन है और इधर माइक्रोपाइलर,
देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको एकदम ये पोजीशन याद रखना है कि प्लाज्मा एंड किधर है और माइक्रोफाइल एंड किधर है। देखिए अब कैसे ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, तो यहाँ मैंने कहा ये जो युग्मनज है इसमें अनुप्रस्थ विभाजन हुआ और दो कोशिका वाला इम्ब्रियो बना, ये भ्रूण बना, दो सेल में बच गया। ठीक है, अब ये जो दो सेल में, अब ये जो वो कोशिका जो क्लाजा इंड सिरे की ओर हो, मैंने देखिए निभागीय सिरे की ओर हो, निभाग की ओर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल सेल। क्या नाम है, टर्मिनल सेल। ठीक है, हिंदी में इसी टर्मिनल सेल को हम लोग अग्रस्त कोशिका या अंतस्थ कोशिका कहते हैं। नोट में हिंदी इंग्लिश सब दिया हुआ, मैं एक टर्म का यूज कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि जब दो कोशिका बनता है तो वो कोशिका जो क्लाजा इंड की ओर होता है, मतलब यहां पर ऐसे आप देखिए तो यहां जो ये वाला है इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल सेल या अंतस्थ कोशिका या अग्रस्त कोशिका। ठीक, और ये जो ये नीचे वाला है, जो नीचे वाला इंड की ओर है, विजार्ड द्वार की ओर है, इसको क्या कहेंगे, बेसल सेल। क्या नाम है, बेसल सेल, या किसी को कहते हैं आधारीय कोशिका। क्या नाम है, आधारीय कोशिका, और इसको क्या कहा, अग्रस्त कोशिका, अग्रस्त कोशिका। ठीक है, तो फिर से कहा कि युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके कारण यह जायगोट दो कोशिकाओं वाले भ्रूण में बदल जाता है। जो ऊपर वाली कोशिका है जो निभाग सिरे की ओर होती है उसको हम टर्मिनल सेल या अग्रस्त कोशिका या अंतस्थ कोशिका कहते हैं, और जो ये नीचे की ओर होती है, मतलब जो विजांड द्वार की ओर होती है, उसको बेसल सेल या आधारीय कोशिका कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, नीचे और ऊपर याद नहीं रखना, समानता स्टूडेंट कभी कभी कि नीचे वाले सेल को हम बेसल सेल कहेंगे और ऊपर वाले को टर्मिनल सेल कहेंगे, तो यहाँ कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि ओव्यूल या विजांड कई प्रकार का होता है, जो सबसे कॉमन होता है जो उल्टा विजांड होता है जिसको आप एनाट्रोपस विजांड को, क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस। देखिए ये बाय द वे एनाट्रोपस विजांड है, अभी से एनाट्रोपस विजांड में क्या होता है भाई, वैसे इंटेगुमेंट होता है और ये इंटेगमेंट इधर से ऐसे फ्यूमिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये विजांड द्वार होता है, फ्यूमिकेट 90 डिग्री पर बनाता है, तो ये सबसे ज्यादा कॉमन है और ये ना ट्रोपस है। तब तो यहाँ आप ऊपर नीचे कर रहे हैं कि चलिए भाई ये नीचे है और ये ऊपर है, लेकिन ये दूसरा टाइप का भी होता है जिसको हम ऑर्थोट्रोपस कहते हैं, उसमें जो विजांड होता है जैसे ये है तो विजांड द्वार ऊपर की ओर होता है। ठीक है, और ये फ्यूमिकेट नीचे की ओर, तो अगर ऊपर नीचे याद रखेंगे तो सोच लीजिए यहाँ पर भ्रूण रहेगा और यहाँ ऊपर में अगर, तो यहाँ पर ये वाला हो गया बेसल सेल और ये हो गया टर्मिनल सेल, और आपने रट्टा मार कर लिया, रट लिया है कि ऊपर में रहेगा उसको हम बेसल टर्मिनल सेल कहेंगे और नीचे में रहेगा उसको हम बेसल सेल कहेंगे। तो देखिए अगर ऑर्थोट्रोपस विजांड होगा तो वहां पर तो गड़बड़ हो जाएगा, आप तो रट्टा मारे हुए हैं कि ऊपर वाले को टर्मिनल सेल कहते हैं जबकि ये विजांड द्वार की ओर है तो इसको हम बेसल सेल कहते हैं। तो आज से ये याद रखना है, हमें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, संकल्पना एकदम क्लियर होना चाहिए कि आधा बेसल सेल या आधारीय कोशिका किसको कह रहे हैं, कि वह कोशिका जो विजांड द्वार की ओर होती है, और अग्रस्त कोशिका किसको कहते हैं जो निभाग सिरे की ओर। मैं समझता हूं ये बात आपको यहां से यहां तक समझ में आ रहा है। देखिए मैं पहले ही आपको कह रहा हूं ये इस चैप्टर इस अध्याय का मेरी समझ से सबसे समझने वाला भाग है और थोड़ा क्लिष्ट है, जटिल लगता है, क्योंकि इतना फिगर मैंने बना के रखा है, आपने देखा ही होगा उसी समय ना कि इतना फिगर, लेकिन यदि आप सही से फिगर आप समझ लेंगे, एक बार संकल्पना विकसित हो जाएगी तो बहुत ही आसान है, यहां से किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन आपसे बनेगा। एक बात और है कि आप यदि 10th लेवल की बात कर रहे हैं, सॉरी 12th लेवल की बात कर रहे हैं, तो सामान्यतः ये कभी 12th में इस टाइप का क्वेश्चन ना कभी आया है कि द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूण विकास को बताएं, नहीं नहीं आया है और ना आने वाला है, इसीलिए लोग फायदा उठाते हैं, टीचर लोग शिक्षक भी इसको सही से बता नहीं पाते।
बताते नहीं है, सरकार अपना विकसित करते नहीं, तो छोड़ देते, तो ले आ नहीं। लेकिन जब मेडिकल कोई भी अच्छा एग्जाम दीजिएगा, कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा, तो यहाँ क्वेश्चन भरा पड़ा है। और आप देखेंगे कि मैं यहाँ जब आपको बताऊंगा ढेर सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, जब मैं ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करूंगा या किसी भी किताब से आप देखेंगे तो वहां पे बनेगा। तो तब संकल्पना विकसित होनी चाहिए। देखिए हम लोग यहाँ थे, क्या कहा कि इस जायगोट में अनुप्रस्थ विभाजन होता है और दो कोशिका वाला भ्रूण का निर्माण, ठीक है। और ये दो कोशिका वाला जो भ्रूण होता है, प्रोएम्ब्रियो होता है, प्राकभ्रूण होता है, ये जो ऊपर वाली कोशिका होती है, जो निभाग सिरे की ओर कोशिका होती है, उसको हम अग्रस्थ कोशिका या टर्मिनल सेल कहते हैं। और जो विजांड द्वार की ओर होती है, माइक्रोपाइल की ओर सिरे की ओर होती है, उसे हम आधारीय कोशिका, ठीक है। तो यहां अब देखिए नेक्स्ट स्टेप यहां तक, ठीक है, ओके। तो अब देखिए अब क्या होता है, दोनों कोशिका में ऐसा नहीं है, अभी जो विभाजन में बता रहा हूं कि इस कोशिका में भी साथ साथ विभाजन होगा और इसमें भी साथ साथ विभाजन होगा, ग्रोथ होगा, लेकिन दोनों को एक साथ में लेके नहीं चल रहा हूं। पहले मैं आधारित कोशिका को बेसल सेल में कैसे कैसे विभाजन हो रहा है, कौन कौन सी संरचनाएं बन रही है, उसके बारे में पढ़ा ले रहा हूं, फिर उसके बाद ऊपर वाले में बात करेंगे। जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, ये बेसल सेल्स में भी डिविजन होते रहता है और टर्मिनल सेल में साइमल्टेनियसली एक साथ डिवीजन होता है। लेकिन मैं सुविधा की दृष्टि से पहले मैं बेसल सेल पे बात कर रहा हूं, फिर देखेंगे कि टर्मिनल सेल में कैसे विभाजन होता है। मैंने बेसल सेल और टर्मिनल सेल को समझने के लिए देखिए यहां स्केच का कलर बदल दिया है, ये नीचे वाले को, ये ऊपर वाला जो है इसको मान लीजिए ये टर्मिनल सेल है, ये लाल वाला आपको हमेशा याद रहेगा कि चेंज यहां हो रहा है टर्मिनल सेल, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो बेसल सेल होता है, जो आधारित कोशिका होता है, इसमें बार बार विभाजन, बार बार समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है और एक कोशिका एक लंबी सी संरचना बन जाती है। देखिए एक लंबी सी संरचना बन जाती है, यहां से एक लंबी सी संरचना बार बार, और ये वास्तव में 6 से 10 कोशिकाओं का समूह रहता है। कितना का? 6 से 10 कोशिका का समूह रहता है। तो ये जो 6 से 10 कोशिका का समूह है, इसको हम लोग निलंबक, क्या नाम है? निलंबक। इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंसर, क्या नाम है? सस्पेंसर। फिर से कहा कि ये जो आधारीय कोशिका है, इस आधारीय कोशिका में समसूत्री विभाजन द्वारा बार बार विभाजन होता है और एक लंबी संरचना का निर्माण होता है, जिसमें सामान्यतः 6 से 10 कोशिकाओं का समूह रहता है, और इस लंबी संरचना को हम कहते हैं निलंबक या सस्पेंस, ठीक है, ठीक है। आपको याद होगा कि फिर ये 6 से 10 कोशिकाओं का ये समूह नीचे वाला क्या कहा? निलंबक। कोई आपसे पूछ दे कि बेसल निलंबक का निर्माण किससे होता है, तो बेसल सेल से, ठीक है, बेसल सेल में विभाजन होगा। अभी तो मैं टर्मिनल सेल पे बात ही नहीं कर रहा हूं, अग्रस्थ कोशिका पे बात ही नहीं कर रहा हूं। अब आगे चलते, अब जो ये आपने देखा कि ये 6 से 10 कोशिकाओं का समूह है, तो देखिए ये दो लिंग है। अब देखिए ये कहां था? विजांड द्वार की ओर है, तो मान लीजिए यहीं पे ना विभाजन हो रहा है। देखिए ये सस्पेंसर यहां पर ही विभाजन, तो यहां पर एक कोशिका का ऐसे निर्माण हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और ये आगे में ये एपिकल सेल है। तो देखिए ये कोशिका जो ये सबसे नीचे वाली कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका जो ये 6 से 10 कोशिकाओं का समूह रहता है, उसमें वो कोशिका जो बीजांड द्वार सिरे से लगी होती है, वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, खुलकर बड़ी हो जाती है, उसका साइज देखिए, ये सब कोशिकाओं में मैंने इसका साइज बड़ा बनाया है। तो ये वो कोशिका जो बीजांड द्वार सिरे से लगी हुई होती है, सस्पेंसर सेल का वह कोशिका जो बीजांड द्वार सिरे की ओर लगी होती है, वो खुलकर थोड़ी बड़ी हो जाती है, और इसको हम कहते हैं चुस्कान। क्या नाम है? चुस्कान, या इंग्लिश में कहते हैं हॉस्टोरिया। क्या नाम है? हॉस्टोरिया। एकदम याद रखना है, कोई आपसे पूछेगा हॉस्टोरिया कौन है, तो बेसल सेल से जब सस्पेंसर सेल का निर्माण होता है, तो उसका वह कोशिका जो बीजांड द्वार सिरे से चिपका हुआ रहता है, बीजांड द्वार सिरे की ओर होता है, तो उसको हम कहेंगे चुस्कांग या हॉस्टोरिया। और इसका सबसे ऊपर वाला जो ये है, ये इसको हम बोलते हैं हाथ,
अद्य अस्फीति का, ठीक है, अद्य अस्फीति का इंग्लिश में इसी को कहते हैं हाइपोपायसिस। ठीक है, तो दो टर्म और बन गया, एक अध्यस्फीति का, दूसरा चुस्का या हाइपोफाइसिस और हॉस्टिडिया। फिर से देखिए, मैंने कहा कि बेसल सेल में बार बार कोशिका विभाजन होता है, जिससे 6 से 10 कोशिकाओं की एक लंबी संरचना बनती है, जिसको हम सस्पेंसर या निलंबक कहते हैं। निलंबक की एक कोशिका जो बीजांड द्वार सिरे की ओर होती है, वो थोड़ी फूलकर बड़ी हो जाती है, जिसको हम चुस्कांग या हॉस्टोरिया कहते हैं। और वह कोशिका जो इस एपिकल सेल से या टर्मिनल सेल से या अग्रस्त कोशिका के ठीक नीचे या इससे लगी हुई होती है, उसे हम अध्यस्फीति का या हाइपोफाइसिस कहते हैं। एकदम याद रखना, यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा कि अध्यस्फीति का किससे लगा होता है, तो आपको याद रखना है ये टर्मिनल सेल से जस्ट नीचे होता है, टर्मिनल सेट से लगा हुआ होता है। और ये चुस्कान क्या हॉस्टोरिया कहाँ होता है, तो बीजांड द्वार सिरे के लिए। बेसल सेल में इतना परिवर्तन हुआ। अब कोई आपसे पूछ दे कि अरे भाई ये सस्पेंसर या सस्पेंसर का क्या काम है, इस निलंबक का क्या काम है, तो देखिए निलंबक का काम है कि देखिए पहले भ्रूण कहाँ था, भ्रूण यहाँ था। फिर आप अगर बाई दी इतना दो इसने खा लिया, मैंने इतना दूर जो इंडोस्पर्म था इसने इसका यूज किया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि भ्रूण कोष का क्या काम है, कि भ्रूण को पोषण प्रदान करना, और इसी पोषण को प्राप्त करके भ्रूण में लगातार वृद्धि होती है। अब यहां तक उसने खा लिया, अब उसको यहां पर भोजन है और यहां पर भ्रूण है, तो अब क्या होगा, यह और थोड़ा लंबा होगा, यह और लंबा होगा, तो यहां तक पहुंचेगा या और अंदर पहुंचेगा। यानी कोई अगर पूछते कि निलंबक का या सस्पेंसर का काम क्या है, तो काम है कि ये भ्रूण कोष में भ्रूण को, ये भ्रूण कोष में भ्रूण को अंदर की ओर ढकेलता है और पोषण प्रदान करने में मदद करता है। एक बात और याद रखना, जो ये हॉस्टोरिया है, हॉस्टोरिया का काम ही है अवशोषण, पोषक पदार्थों का अवशोषण करना। तो यदि आपसे पूछे हाइपोफाइसिस का क्या काम है, तो आगे आप देखेंगे इसी हाइपोफाइसिस से रूट टिप का या मूल गोप का या मूल शीर्ष का, यानी रूट गोप माने जड़ का, कोई भी आप जो रूट लेते हैं उसके आगे में मूल टोपी होती है या मूल गोप होता है, उसका निर्माण इसी अध्यय अस्फीतिका से होती है। तो फिर से यहां से क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा रूट टिप का या रूट कैप का निर्माण किससे होता है, तो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो पहले तो बेसल सेल में जो चेंज हुआ, आधारीय कोशिका में जो चेंज हुआ, मैंने यहां पर बताया, आपको समझ में आया होगा, ज्यादा बात है भी नहीं। फिर से कि इस आधारीय कोशिका में कोशिका कई बार विभाजन होता है, 6 से 10 कोशिकाओं का एक समूह बनता है, लंबी संरचना को निलंबक कहते हैं। इसका वो भाग जो बीजांड द्वार की ओर होता है, थोड़ा बड़ा होता है वो कोशिका, उसको हम हॉस्टोरिया कहते हैं, या न्यूट्रिशन प्रदान करने में, न्यूट्रिशन प्राप्त करने में भ्रूण मदद करता है। दूसरा है जो टर्मिनल सेल से लगा होता है, अग्रस्त कोशिका से लगा होता है, उसे हम अध्ययनिका या हाइपोफाइसिस। अब देखते हैं, अब ये बेसल सेल का काम, अब देखते हैं कि टर्मिनल सेल में क्या क्या होता है। तो देखिए ये जो टर्मिनल सेल है, अभी अभी मैंने कहा है कि यहां पर कौन विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। लेकिन जब टर्मिनल सेल में जो विभाजन होता है वो उदग्र विभाजन होता है। क्या विभाजन होता है, उदग्र विभाजन, या इंग्लिश में इसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, उदग्र विभाजन होता है। और उदग्र विभाजन होने का याद रखना है कि एपिकल टर्मिनल सेल में लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, उदग्र विभाजन, और यहां पर कौन विभाजन हुआ था, अनुप्रस्थ। और जब अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, तो देखिए ये दो सेल वाला भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, और पहला विभाजन लॉन्गिट्यूडिनल होता है, और ये दूसरा विभाजन देखिए ये अनुप्रस्थ, तो ये क्या हो गया, 4, यानी 4 कोशिका यहां पर बन गया। इस स्टेज को हम क्वाड्रेंट स्टेज, क्या नाम है, क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। क्या नाम है, क्वाड्रेंट स्टेज, हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश
अवस्था, या इसी को क्या नाम बताया, क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं, यानी चतुर्थांश अवस्था में। ठीक है, तो एपिकल सेल में या अग्रस्थ कोशिका में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, जिसके कारण पहले या दो कोशिका में और फिर चार कोशिका में बढ़ जाता है। तो भ्रूण के इस ऐसे भ्रूण को क्या कहते हैं, चतुर्थांश अवस्था वाला भ्रूण, माने प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट स्टेज बोलते हैं इसको। तो ये चतुर्थांश अवस्था वाला भ्रूण। फिर देखिए फिर क्या होता है कि फिर इसमें मुक्त विभाजन होता है और ये जो चार कोशिका है ये आठ कोशिकाओं में बढ़ जाती है। यहां से फिर देखिए, यहां 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 देखिए, यहां गिनिए, एक दो तीन चार पांच छह सात, अभी हो गया, यानी फिर यहां पर विभाजन होता है और यहां पर विभाजन होकर के अब आठ कोशिकाओं वाला भ्रूण का निर्माण हो जाता है, जिसको कहते हैं अष्टांग अवस्था। क्या नाम है, अष्टांग अवस्था, या इसी को कहते हैं ऑक्टेंट स्टेज। ठीक है, पूरा प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट स्टेज आठ कोशिका वाला है। अगर इसे आप आठ कोशिका वाला जब भ्रूण बनता है तो इसमें चेंज होता है, ये वास्तव में इसमें दो टायर का निर्माण हो जाता है। देखिए यहां ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर में है, इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर चार कोशिका है, एक दो तीन चार, और नीचे में एक दो तीन चार, यानी दो टायर का निर्माण हो जाता है, रीअरेंजमेंट होता है। आठ कोशिका वाला भ्रूण में रीअरेंजमेंट होता है और चार ऊपर में और चार नीचे में, दो टायर में बदल जाता है। तो जो ये ऊपर वाला टायर है इसको कहते हैं ईपी वेसर। क्या नाम है, ईपी वेसर। और जो ये नीचे वाला टर्म है इसको कहते हैं हाइपो वेसर। ठीक है, ऊपर वाले को, ऊपर वाले चारों को ईपी वेसल और नीचे वाले को हाइपो वेसल। ठीक है, ऊपर वाले को ईपी वेसल और नीचे वाले को हाइपो वेसल। इसी ईपी वेसल से आगे आप देखेंगे कि इसी ईपी वेसल से स्टेम टिप या तना शेष या बीज पत्र या यो कहले ईपी कोटाइल, जिसको हम बीजो पत्रों परिक कहते हैं, का निर्माण होता है। यानी समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए ये प्लूम्यूल का निर्माण करता है ऊपर वाला, ऐसा भी समझना। और ये जो हाइपोकोटाइल है इससे क्या निर्माण होता है, हाइपोबेसल से हाइपोकोटाइल का बीज पत्राधार बोलते हैं या रेडिकल का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है यहां से फिर ऊपर वाला जो है ईपी बेसल से किसका निर्माण हो रहा है, स्टेम टिप का निर्माण, कॉटिलीडन्स का निर्माण हो रहा है, बीज पत्र का निर्माण हो रहा है यहां से, और इससे क्या हो रहा है यहां से, या ईपी कोटाइल का निर्माण हो रहा है बीज पत्रा पत्रोपरिक। अभी मैं समझा रहा हूं और आगे जब हम लोग सीट पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा ईपी कोटाइल क्या है, हाइपोकोटाइल क्या है, या हिंदी में बीज पत्राधार क्या है या बीज पत्रोपरिक क्या है, वो आगे देखेंगे। अभी बस इतना समझ लेना है कि जब यह आठ अवस्था वाला भ्रूण होता है और ऑक्टेंट स्टेज में जाता है तो दो टायर में बदल जाता है, ऊपर वाले को ईपी वेसल और नीचे वाले को हाइपो वेसल। फिर से यहाँ क्वेश्चन है कि ईपी वेसल से क्या क्या बनता है, तो स्टेम की तना का शीर्ष बनता है, बीज पत्र बनता है या इपिकोटाइल बनता है ये, और नीचे वाले से हाइपोकोटाइल या रेडिकल का निर्माण। ठीक है, और बाकी ये यूजुअल जो है ये तो है। फिर नेक्स्ट स्टेज में जाते, तो इसको कहा ऑक्टेंट स्टेज, इसको कहा यहां पर मैं लिख देता क्वाड्रेंट, या यहां ऊपर लिखा हुआ चतुर्थांश अवस्था, क्वाड्रेंट स्टेज ऑक्टेंट स्टेज। नेक्स्ट, जब ये आठ कोशिका में बढ़ जाता है तो यहां पर फिर से एक बात याद रखना है कि जो ये तो फ्री डिवीजन हुआ था, अब जो विभाजन होता है वो पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। क्या होता है, पेरिक्लिनल, पर्णतिक विभाजन कहते हैं हिंदी में। पेरिक्लिनल डिवीजन क्या है, तो ये इस टाइप से डिवीजन होता है कि किसी कोशिका को दो भागों में बांट देता है, ये अंदर वाला और एक बाहर वाला। यहां से आप देखिए तो देखिए ये पेरिक्लिनल डिवीजन है, ऊपर में आठ है बाहर में एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। ठीक है, और नीचे में भी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। ठीक है, यानी ये इसमें कितना सेल हो गया, 16, इसमें कितना हो गया आठ, इसमें कितना हो गया चार। तो ये जो 16 सेल वाला भ्रूण है इस अवस्था, देखिए ये देखने में गोलाकार लग रहा है कि नहीं, इसको हम गोलाकार अवस्था भी कहते हैं,
गोलाकार अवस्था या ग्लोब्यूलर स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, सोलर सोलर, ये देखिए ग्लोब्यूलर स्टेज हो गया। ग्लोब्यूलर स्टेज का निर्माण कैसे होता है, एकदम एकदम बात याद रखना है कि यहाँ जो ऑक्टेट अवस्था होता है इसके एपिकल से या टर्मिनल से में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, इसमें एक बाहरी स्तर बन रहा है और एक अंदर में, जो ये बाहर वाला है इसी से निर्माण होता है, त्वचा जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वचा जन, इंग्लिश में इसी को हम लोग डर्मेटोजीन बोलते हैं। क्या नाम है? डर्मेटोजीन। इसी त्वचा जन से, इसी डर्मेटोजीन से इपीडर्मिस या वाह त्वचा का निर्माण होता है। किसका होता है? इपीडर्मिस या वाह त्वचा, यानी ग्लोब्यूलर स्टेज में कोशिकाएं दो समूह में बढ़ जाती हैं। बाहर वाला जो होता है, बाहर वाला जो ये समूह है, इसको हम डर्मेटोजीन या त्वचा जन कहते हैं, जिससे कि बाह्य त्वचा या इपीडर्मिस का निर्माण होता है। और जो ये अंदर वाला जो रह गया, इनर सेल जो मास है, जो अंदर वाला से कॉर्टेक्स का यानी बलकुट का, पीठ का, फैस्कुल माने कैडमियम का, इन सबों का ये निर्माण। यहाँ ज्यादा क्लिष्ट नहीं करना, बस ये ज्ञान आपको यहाँ रखना है कि भाई जो ये बाहर वाला है, बाहर वाला जो सेल है, ये इसको त्वचा जन या डर्मेटोजीन कहते हैं और इसी से इपीडर्मिस का निर्माण होता है। और अंदर वाला जो भाग है, अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं, उसी से कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। आगे चल के पढ़ेंगे तो पीठ का निर्माण होता है, स्टील रीजन होता है। तो अगर आपने एनाटॉमी पढ़ा है तो वो बात याद आएगी, तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो कम से कम अभी आपको इतना याद रखना है, ये जो बाहर वाला जो स्तर है, इससे त्वचा जन जिसको कहते हैं, इससे इपीडर्मिस का निर्माण होता है, अंदर वाले से कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। आप जो है ये बंटवार, ये कोशिका विभाजन की क्रिया लगातार होते रहती है। ठीक है, लगातार होते रहती है। अब इस अवस्था से हम लोग इस अवस्था की ओर प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी, कैसे कैसे हुआ भाई। तो बेसल सेल है, तो फिर यहाँ पे सस्पेंसर का निर्माण हुआ है, उसके बाद ही क्वार्टेंट स्टेज है, चतुर्थांत अवस्था है, उसके बाद अष्टांत अवस्था है, उसके बाद गोलाकार अवस्था है। ये याद रखना है, इसमें चार सेल है, इसमें आठ सेल है और इसमें 16 सेल है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब देखिए कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता है, लगातार विभाजन होता है। और क्योंकि देखिए यहाँ पर भ्रूण है और ये भ्रूण की लगातार लंबाई बढ़ रही है, तो जगह तो कम होता जा रहा है। तो होता क्या है, क्योंकि ये डाइकोटिलीनस है तो ये बीच में धसाव होने लगता है, यानी इस किनारे पर, यहाँ पर इसी को अगर हम कहें तो यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ से भी अगर हम लोग ऐसे ऐसे बना लें तो वास्तव में जो यहाँ की कोशिकाएं होती है, देखिए ऐसे इसी स्टेज को मैंने यहाँ बनाया, यहां ये कोशिका है, यहां पर विभाजन कम होगा। ठीक, और ये जो इसके कॉर्नर साइड में, यहां पर विभाजन ज्यादा होगा, जिसके कारण ये देखिए ये लगभग हार्ट के आकार का, हृदय आकार का देखने में लगता है। तो इस स्टेज को हम लोग हार्ट स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट स्टेज या हृदय अवस्था। तो गोलाकार अवस्था के बाद चेंजिंग क्या हो जाता है भाई, तो ग्लोब्यूलर स्टेज से चलाता है हार्ट। ठीक है, तो ये विभाजन होते रहता है। एक बात जो यहाँ आपको याद रखना है, ये हार्ट स्टेज आप यहाँ याद रखेंगे, ये है क्या है, हार्ट स्टेज। ठीक है, एक बात याद रखना है, जो अभी मैं यहाँ पर आपको एक बात बताया था, ये जो हाइपोफाइसिस है, हाइपोफाइसिस को कहते हैं कि सस्पेंसर सब का वह से जो एपिकल टर्मिनल सेल्स के नजदीक होता है लगा, वास्तव में इस हाइपोफाइसिस में डिवीजन और यहाँ पे आठ कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऐसे देखिए, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये देखिए ये आठ कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये कौन कोशिका है? हाइपोफाइसिस है। क्या है? हाइपोफाइसिस। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं, कोई पूछ दिया रेडिकल का निर्माण किससे होता है, तो यहाँ रटा हुआ रहता है, डायरेक्ट बोलेगा हाइपोफाइसिस। ठीक है, पूछ दिया रूट टिप का निर्माण किससे होता है, तो कहेगा हाइपोफाइसिस से होता है, गलत हो जाएगा। रूट टिप का निर्माण मैं कहां से कर रहा हूं, रूट कैप प्लस रूट टी
मतलब मूल सेल्स और मूल ग्रोथ, मूल सेल्स और मूल ग्रोथ का निर्माण किससे हो रहा है? हाइपोफाइसिस या अध:स्फीति का से, ठीक है, सेल विभाजित होकर के, ठीक है। तो ये बोले गोलाकार अवस्था के बाद होना है हृदय अवस्था। अब देखिए, अब ये जो अंदर की ओर ये डिवीजन फिर से मैं कर रहा हूं, ये बढ़ता जाता है, ये धंसता जा रहा है। देखिए ये धंसता जा रहा है, लगातार धंसता जा रहा है। तो ये लगातार ये धंसने के कारण देखिए एक पैसे और एक पैसे, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हॉर्स सुसेप्ट है कि घोड़े के नाल के आकार का है। तो इस अवस्था को हम लोग कहते हैं हॉर्स सुसेप्ट, यानी हॉर्स सुसेप्ट। ठीक है, फिर यहाँ ये विभाजन नहीं रुकता, फिर और विभाजन होते रहता है और देखिए लगभग ये मैच्योर भ्रूण है, एकदम परिपक्व भ्रूण। और यहाँ पर देखेंगे, यदि ध्यान से देखेंगे तो इस अवस्था को एक नाम है जिसको हम कहते हैं टारपीडो अवस्था। क्या नाम है? टारपीडो स्टेज या टारपीडो अवस्था। देखिए ये सब तो आपको याद है, ये क्या है भाई? तो हॉस्टोरिया। ये क्या था? तो हाइपोफाइसिस। तो देखिए अब क्या होता है, ये जो फाइनल भ्रूण बना, ये फाइनल जो परिपक्व भ्रूण है, इसको मैं लेबलिंग कर रहा हूँ, आपको याद रखना कहाँ क्या है। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको कहा था, यदि आपको याद हो तो देखिए ये वाला जो भाग है मैं इसे से रख रहा हूँ, ये जो हंडा वास्तव में इससे किसका निर्माण होगा? तो इसी से निर्माण होता है रूट टिप का, मूल शीर्ष का और मूल गो रूट कैप। ठीक है, तो ये रूट कैप बना था और यहां से जो ये आप देख रहे हैं, ये जो भाग है यही होता है मूलांग। क्या होगा? मूलांग या इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेडिकल। आपने पढ़ रखा है बचपन से, यही मूलांकुर है जिससे जड़ का निर्माण होता है, यानी ये जड़ तंत्र का निर्माण करता है, मूल तंत्र का निर्माण करता है पौधे का। और यहां पर देखिए, यहां जो ये होता है यही तरा शीर्ष है, स्टेम टिप है, और यहां पर मैं लिख रहा हूं परांग, मूलांकुर है और इसी भ्रूण में परांकुर है, यानी ये पौधे का ऊपरी भाग बनाएगा और ये जमीन का नीचे वाला भाग बनाएगा। और ये दोनों क्या है? तो ये दोनों है बीज पत्र। क्या नाम है? बीज पत्र, या इंग्लिश में इसी को कहते हैं पॉटी। ठीक है, इसको कहते हैं कॉटी। तो ये एक परिपक्व भ्रूण हो गया। तो इस तरीके से जब भ्रूण परिपक्व हो जाता है तो देखिए ये परांकुर के दोनों पार्श्व भाग में, परांकुर के दोनों पार्श्व भाग में लैटरल साइड में ये बीजपत्र लगा हुआ। तो ये हुआ कंप्लीट डेवलपमेंट डाइकॉट प्लांट में भ्रूण का। एक बार मैं फिर से समराइज कर रहा हूं, एकदम तेजी से समराइज कर रहा हूं। देखिए ये जायगोट युग्मनज है, इस युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके कारण दो सेल वाला एम्ब्रियो या दो कोशिकाएं बनती हैं। वो कोशिका जो बीजांड द्वार सिरे की ओर होती है उसे हम बेसल सेल या आधारीय कोशिका कहते हैं, और जो कोशिका क्लाजा की ओर या विभाग सिरे की ओर होती है उसे हम अग्रस्थ कोशिका या टर्मिनल सेल। अब पहले इसमें क्या स्ट्रक्चर में चेंज होता है उसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। तो मैं आधारीय सेल, आधारीय कोशिका में क्या चेंज होगा? तो इस आधारीय कोशिका में बार बार विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, संसूत्री विभाजन होता है, और ये 6 से 10 कोशिकाओं का एक समूह बनाता है, एक लंबी संरचना बनाता है जिसको हम निलंबक। ये निलंबक का सबसे वह कोशिका जो बीजांड द्वार से लगा होता है,
वो थोड़ा खुलकर बड़ा हो जाता है, जिसको हम शुष्कांग या ऑस्टोरिया कहते हैं, और वह कोशिका जो इस अग्रस्थ कोशिका से ठीक नीचे होता है या इससे लगा होता है, उसे हम अध्यस्थ कोशिका या हाइपोथैलेमस। ओवरऑल ये जो सस्पेंसर या निलंबक का काम है कि भ्रूण को भ्रूणकोश के अंदर ढकेलता है ताकि वो आसानी से पोषण प्रदान कर सके। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आधारित कोशिका में आपने देख लिया, अब यहाँ पर जो एपिकल सेल है या टर्मिनल सेल है या अग्रस्थ कोशिका है, तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल विभाजन होता है और लॉन्गिट्यूडनल उदार विभाजन ये अयम होता है। और देखिए पहले दो कोशिका वाला निर्माण होगा, फिर दो से चार होता है, इस अवस्था को चतुर्थांश अवस्था या क्वाड्रेंट स्टेज का। फिर यहाँ पर थ्री डिवीजन होता है और आठ कोशिकाओं वाला भ्रूण बनता है, ऊपर में एपिकल सेल में आठ कोशिकाएं हो जाती है, इसको हम ऑप्टेट अवस्था कहते हैं। यहाँ की विशेषता है कि देखिए ये दो जो आठ कोशिकाएं होती हैं, ऊपरी टायर और नीचे से आप ट्रेन में देखते हैं थ्री टायर का मतलब क्या हुआ कि एक सीट यहाँ है, दो सीट यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। टू टायर का मतलब होता है दो सीट लगा, तो यहाँ भी ये ऊपरी टायर हो गया, ये नीचे वाला टायर हुआ। जो ऊपर में जो कोशिका रहता है उसको हम ईपी बेसल कहते हैं, जो नीचे में रहता है हाइपो बेसल कहते हैं। अभी बस आपको याद रखना है ईपी बेसल से, इतना याद रखिए कि ईपी को टायर या बीज पत्तों परिघ का निर्माण होता है। इसी से आगे देखेंगे कि स्टेम का निर्माण होगा, कॉटिलीडन का निर्माण होगा और हाइपोबेसल से मूलांकु या रेडिकल का निर्माण होता है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कोशिका है इसमें याद रखना है यहाँ पे एक पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिससे 16 कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो बाहर में जो कोशिका होती है वो उस कोशिका को हम डर्मेटोजीन कहते हैं, जो बाह्य त्वचा का निर्माण करता है, एपिडर्मिस का निर्माण करता है, और अंदर वाला जो कोशिका होता है वो कॉर्टेक्स का निर्माण करता है, बनकुट का निर्माण करता है या पीठ का निर्माण करता है या जाइलम फ्लोएम या स्टील रीजन का निर्माण। फिर अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों कॉर्नर पर विभाजन की दर तीव्र हो जाती है और ये बीच में धसाव होने लगता है और ओवरऑल ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, तो इस अवस्था को हम हार्ट स्टेज हृदय अवस्था। और यहीं पर देखेंगे, देखिए अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हाइपोफाइसिस के द्वारा हाइपोफाइसिस में विभाजन होता है और रूट कैप और रूट टिप का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हाइपोफाइसिस में विभाजन, फिर ये विभाजन लगातार तेजी से जारी होता है और ये लगभग यह स्ट्रक्चर हॉर्स के नाल घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है, इसको हॉर्स वो स्टेज। और विभाजन की क्रिया लगातार चलती है और एक परिपक्व भ्रूण प्राप्त होता है। परिपक्व भ्रूण में देखते हैं तो बीच में देखिए ये परांकुर है और इसके लैटरल साइड में दोनों कॉटिलीडन होता है और यहाँ पर भी मूलांकुर होता है और ये सीड में सुसुप्तावस्था में पड़ा रहता है। तो दो कॉटिलीडन का निर्माण हुआ, दो बीज पत्र का निर्माण हुआ, तो यही हमको करना था कि दो बीज पत्र पादप में भूमिका कैसे विकास। एक थोड़ा सा बात आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, ये भी मैं जब सीड पढ़ाऊंगा तो वहां पर वो बात पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं यहाँ पे बता दें। क्योंकि किन्हीं के दिमाग में उठ रहा होगा कि भाई इपिकोटाइल और इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल कर रहे हैं या बीज पत्रों पर या बीज पत्र आधार, देखिए बायोलॉजी में हिंदी का टर्म और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो कम से कम टर्म मेरे समझ से आपको इंग्लिश में याद रखना चाहिए, यद्यपि आपकी खुशी के लिए मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ इंग्लिश भी बोल रहा हूँ। ठीक, और नोट पे हिंदी इंग्लिश सब लिखा हुआ, आपको कोई असुविधा होगी इमीडिएट हमको कहेंगे। तो आप मैं सीड, अगर कोई आप जैसे ही कोई बीज की संरचना कहे बीज के बारे में, तो सबसे पहले अगर सीड को समझना है तो चना, चना जिसको याद रहेगा, चने का बीज तो आपको पूरा याद रहेगा। तो मैं यहाँ एक सामान्य चने का बीज का उदाहरण देकर के आपको बता रहा हूँ। भाई आपने चना का बीज देखा होगा, तो अगर यदि आप चना का बीज खोलिएगा तो देखिए बीज में ऐसे ऐसे एक ऐसे खोलेंगे ना चना, अगर वो चना अंकुरित हुआ हुआ होगा तो आप ऊपर वाला हटाइएगा तो देखिएगा दूर पीला पीला दिखेगा, यही जो जो पीला पीला दिखता है यही है बीज पत्र। क्या है? बीज पत्र, इसी को कहते हैं कॉटी, है ना, कॉटी, यही बीज पत्र हुआ। ठीक, दो कॉटी, ठीक है, आपको ये बीज पत्र है।
अब है देखिए हमको भ्रूण चुनाव। अब देखिए ये जो आप ध्यान से देखेंगे अगर वो धीरे धीरे हटाएंगे तो देखेंगे एक कॉटिल्यूडन और एक कॉटिल्यूडन दोनों एक सिरे पे जुटा हुआ रहता है। जैसे ये वाला सिरा पर ये दोनों जुटा वो हिस्सा जिससे दोनों कॉटिल्यूडन आपस में जुटे हुए रहते हैं उसको हम कहते हैं कॉटिल्यूडिनरी नोड। क्या नाम है? कॉटिल्यूडिनरी नोड। ठीक है, बीच पत्रीय कान। और ये देखिए एक्सिस को आप समझते हैं इतना तो मैच पा रहा है कि खाना नहीं। और इसको हम कहते हैं इम्ब्रॉयनल एक्सिस। क्या है? इम्ब्रॉयनल एक्सिस या ये हो गया भ्रूणीय आच। देखिए ये सब टर्म याद रखना है। अगर ये टर्म याद रखेगा तो आपको हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल प्लूम्यूल किसको कहते हैं, रेडिकल किसको कहते हैं, या मुलांकुर परांकुर क्या है, ये समझने में आपको दिक्कत ना हो। या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मुलांकुर से या रेडिकल से जड़ तंत्र का विकास होता है और परांकुर से या फ्लिम्यूल से तना तंत्र का विकास होता है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं मूलांकु। क्या नाम है? मूलांकु या रेडी। इसी से समझिए जड़ तंत्र का विकास होता है। और ये जो ये ऊपर वाला है इसको दूसरा है हाइपोकोटाइल इसको कहते हैं बीज पत्रा। ठीक है, इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो आपको समझना है कि इपिकोटाइल किसको कहते हैं और हाइपोकोटाइल। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे अंतर लिखने के लिए आएगा। मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा तो आप विस्तार से पढ़ाऊंगा। तो देखिए अभी मैंने कहा जहां जुटता है दोनों कॉटिलीडन बीज पत्र उसको हम कह रहे हैं कॉटिलीडनरी। और द डिस्टेंस बिटवीन प्लूम्यूल एंड कॉटिलीडनरी नोड माने ये परांकुर और ये कॉटिलीडनरी नोड के बीच में जो ये जगह है जो ये लंबाई है इसी को हम कहते हैं बीजपत्रोपरिक या ईपी होता है। और जो ये वाला जो हिस्सा है द डिस्टेंस बिटवीन ये कॉटिलेडनरी नोड्स एंड रेडिकल और इसके बीच में जो संरचना है इसी को कहते हैं हाइपोकोटाइल। तो आपको याद रखना एकदम ये प्लूम्यूल और कॉटिलेडनरी नोड के बीच में जो हिस्सा है इसको कह रहे हैं हिपिकोटाइल और ये कॉटिलेडनरी नोड और रेडिकल के बीच में जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। अभी मैंने यहां पर ये टर्म यूज किया था कि ईपी बेसल से इपिकोटाइल का निर्माण होता है और हाइपोबेसल से हाइपोकोटाइल का निर्माण होता है। हाइपोकोटाइल से ही रेडिकल या मूलांकुर का निर्माण होता है। इपिकोटाइल से ही आप देखेंगे अस्टेम टिप का तना शीर्ष का निर्माण होगा बीज पत्र का निर्माण। बात आपको यहाँ पे समझ लेना है कि भाई कॉटिलीडन किसको कहते हैं। तो देखिए ये दोनों कॉटिलीडन है और यहाँ पर जहाँ जुटा इसको हम नोड कहते हैं। बीज पत्रीय गांठ है और ऊपर वाले हिस्से को हम प्रांकुर कहते हैं, नीचे वाले को रेडिकल या मूलांकुर कहते हैं। और इस गांठ से और इस प्रांकुर के बीच की का जो भाग है उसी को हम बीज पत्रोपरिक या इपिकोटाइल कहते हैं। और जो ये नीचे वाला भाग है रेडिकल और इसको बीच में इसी को हम लोग बीज पत्राधार या हाइपोकोटाइल कहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बीजपत्री पादप पे भ्रूण विकास या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉटिलेडनस प्लांट पढ़ेंगे। थैंक यू। देखिए हम लोग समझ सकते हैं डाइकोट एम्ब्रियो को इस फिगर के द्वारा। ये मैं जैसा बता रहा था कि देखिए ये फिगर बता रहा है जाइगोट को डिवीजन हुआ टर्मिनल सेल और बेसल सेल, इसमें
फिर देखिए टर्मिनल सेल में लगातार डिवीजन हुआ है, डी सेक्शन में देखिए सस्पेंसर सेल का निर्माण हुआ है, ये नीचे वाला हाइपोफाइसिस है, ऊपर वाला जो लंबा सा रह गया हॉस्टोरियल सेल है, फिर देखिए अब एपिकल सेल में डिवीजन हो रहा है, ये फोर्थ सेल स्टेज, एट सेल स्टेज, ये देखिए ये ग्लोबुलर स्टेज बन गया, फिर और डिवीजन होता है तो देखिए ये हार्ट शेप स्टेज बना जी में, फिर उसी तरीके से लगातार दोनों कोटिलीडन के बीच जो ये है लगातार रैपिड डिवीजन होता जाता है, और एच में देखिए एच का जो फिगर है उसमें देखिए ये फाइनल स्टेप है, प्लूम्यूल है, कोटिलीडन है, और ये सब का निर्माण हो जाता है और इस तरीके से निर्माण होता है। भ्रूण परिवर्तन की प्रक्रिया को इस फिगर से भी या इस एनिमेशन से समझ सकते हैं। देखिए ये विभिन्न स्टेज दिखाया हुआ है कि क्वाटेंट स्टेज है, ऑक्टेंट स्टेज है, ग्लोब्यूलर स्टेज है, हार्ट शेप स्टेज है, उसके बाद टारपीडो स्टेज है, और लास्टली मैच्योर इम्प्योर मैच्योर इम्प्रियो है। और ये देखिए सबसे पहले कहा था कि बेस जायगोट में डिवीजन होता है और दो सेल का निर्माण होता है, जो कलाजा इनक्योर होता है उसको हम अग्रस्त कोशिका या एपिकल सेल कहते हैं, जो विषाण्ड द्वार क्योर होता है उसको हम बेसल सेल कहते हैं। ये मैंने पहले भी आपको अभी फिगर में मैंने आपको समझाने का कोशिश किया था। जो एपिकल सेल है अग्रस्त कोशिका से ही इम्ब्रियो का निर्माण होता है, और बेसल सेल्स में कई डिवीजन होता है, और 6 से 10 कोशिकाओं से बना हुआ एक लंबा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम निलंबक या सस्पेंसर सेल कहते हैं। इसी सस्पेंसर सेल में जो एपिकल सेल से लगा हुआ कोशिका होता है उसको हम लोग अध्यस्फीतिका या हाइपोफाइसिस कहते हैं, और ये जो नीचे वाला जो सबसे लंबा सा जो सेल है उसी को हम लोग हॉस्टेरिया कहते हैं। ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था। फिर ये डेवलपमेंट का ये दौर आप जो हमने ये शुरू होता है कि टर्मिनल सेल में डिवीजन होता है और 1 से 4, फिर 4 से 8 सेल स्टेज बनता है, कहा था कि 8 से, फिर 8 से 16, 16 से उसी तरीके से ट्रायंगुलर स्टेज बनता है, उसके बाद हार्ट शेप स्टेज बनता है, ये सब लगातार डिवीजन होते रहता है। और ये जो लगातार डिवीजन होता है, मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोबुलर स्टेज का जो बाहर वाला जो सेल होता है वो डर्मेटोजीन का निर्माण करता है, और इसी डर्मेटोजीन से एक्टोडर्म या इपीडर्मिस या प्रोटोडर्म का निर्माण होता है, और जो अंदर में जो इनर सेल मास होता है उससे हम ग्राउंड मेरिस्टेम या जिससे कॉर्टेक्स का निर्माण होता है, पीथ का निर्माण होता है, स्टील रीजन या कैंपियम का निर्माण होता है, इसी से जाइलम फ्लोएम इन सबों का निर्माण होता है। इसके बाद जो स्टेज आता है जिसको हम हार्ट स्टेज कहते हैं, आपको बताया था कि कॉर्नर पर तेजी से सेल डिवीजन होता है और बीच में डिवीजन का रेट कम होता है, जिसके कारण लगभग हृदय के आकार का संरचना का निर्माण होता है और कोटिलीडन लगातार बढ़ते चला जाता है, तो इसको हॉट शेप स्टेज कहते हैं। इसी तरीके से और ज़्यादा ग्रोथ होता है, और ग्रोथ लगातार होते होते मैंने आपको बताया था कि वो हॉट शू शेप स्टेज में बदल जाता है, कोटिलीडन का जो ये कॉर्नर है वो कॉर्नर तेजी से ग्रोथ करता है। ये भी एक आपको मैंने बताया था कि जो देखिए एपिकल रीजन का जो बाहरी वाला पार्ट है वो एपिडर्मिस का निर्माण करता है, जो ये बिडिन वाला पार्ट है जो कॉर्टेक्स का निर्माण करता है, और हाइपोफाइसिस से रूट टिप का निर्माण करता है, और ये लास्ट पे जो मैंने कहा था कि जो ये टारपीडो स्टेज है तेजी से कोटिलीडन का ग्रोथ होता है। ये लाल वाला देख रहे हैं यही सूट का एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, और उसके बाद जो फाइनली भ्रूण जो परिपक्व भ्रूण होता है कुछ इस हद तक दिखता है, और जो मैंने कहा था कि यह सीट के अंदर ऐसे पड़ा हुआ रहता है और वहाँ पे स्टेम टिप है, उसके दोनों साइड लैटरल